मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। निधि की बात हो जाएगी लेकिन कुछ भी हो, शिक्षिका हूँ इसलिए 30 है आ है, आज हमें बांट दिया गया है, नियमित और नियोजित बनाकर हमें बांट दिया गया है, टीटी और शिक्षा मित्र बनाकर हमें बांट दिया गया है कि हम आपस में ही लड़ते रहे, हम एक ना हो पाए, हम कुछ बोल ना पाए। लेकिन कहते हैं ना, शिक्षा में भी अलग जगाने की जरूरत है। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा फिर शिक्षा की बात ही बेमानी हो जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया और आज शिक्षकों की महत्ता को जलाया जा रहा है, हमें इसके खिलाफ भी एकजुट होना है। और आइए, शिक्षा सिर्फ क ख ग घ और एबीसीडी की नहीं होती, हर एक कला। कहा जाता है कि चंद्रमा 16 कला में निपुण है, ये 16 कला क्या है? इसमें एक कला नृत्य की भी होती है। और शहर का सौभाग्य है कि रंजना सरकार जी जैसी शख्सियत हम लोगों के साथ है, सहजता से, सुलभता से, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें दो सब शिक्षा के लिए। यहाँ उपस्थित मंच के सभी मुख्य अतिथियों को मेरा प्रणाम अभिनंदन और इस कक्षा में उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे सभी मीडिया भाई, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। शिक्षा आज शिक्षा का सम्मान हो रहा है, शिक्षकों का सम्मान हो रहा है और शिक्षा समाज की नींव है, शिक्षक समाज की वो स्पाइनल कॉर्ड है जिन पर हमारा समाज, हमारा व्यवस्था और हमारी पीढ़ी तैनात रहती है। तो मैं बहुत आदर करती हूँ शिक्षा और शिक्षकों का। प्रथम व्यवस्था समाज की और आखिरी व्यवस्था देश निर्माण की बात हो तो शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है, उसके बाद ही हमारे दूसरे सेक्टर्स, दूसरी चीजें आती हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज न्यूज लाइन नेटवर्क द्वारा, खास करके राहुल जी को बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि इन्होंने शिक्षकों के सम्मान के लिए ये आयोजन रखा और शिक्षक गण सम्मानित हो रहे हैं। चाहे पढ़ाई हो चाहे कला हो, हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। आज भी भारत की पहचान विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व पटल पर होती है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में जब मैं अपनी भारतीय कला, भारतीय संस्कृति को लेकर जब उपस्थित होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कितनी बड़ी मापदंड के साथ, कितनी व्यापकता के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति को लोग चाहते हैं और उसके लिए मरते हैं। तो कला में भी गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती है, आज भी है। शिक्षा में भी ये शुरू से गुरु शिष्य परंपरा की एक औचित्य रहा है हमारे समाज में, लेकिन आज गुरु शिष्य परंपरा थोड़ी सी डाइल्यूटेड हो गई है। कौन रहने की जरूरत थी, हम लोग थोड़ा डाइल्यूट हो गए हैं। तो मेरा निवेदन है हम सभी शिक्षकों से कि व्यवस्था तो बहुत आघात दे रहा है, बहुत व्यथा दे रही है, शिक्षकों के प्रति इतना असम्मान प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षक हमारे साथ। मैं खुद शिक्षिका हूँ, मैं भी कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं जानती हूँ शिक्षकों की व्यथा। तो लेकिन हम सभी शिक्षकों से एक ही अनुरोध है कि व्यवस्था में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को धूमिल न करें, उनको मजबूती से तैयार करें ताकि आज जो हो रहा है वो कल ना हो। आप ही के साथ, आप ही के सानिध्य में वो बच्चे पढ़ेंगे और आपके सोच के विचारधारा के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे और एक नव समाज का निर्माण हो गया। आज को तो हम सुधार नहीं पाए क्योंकि आज का निर्माण, आज के लोगों का निर्माण हमने नहीं किया, किसी ने किया था तो हम बने,
और आज हम जैसा निर्माण करेंगे आने वाली पीढ़ी बनेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।